सब गाइस कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे, कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे और ये जरूर सोच रहे होंगे कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे देश को चाइना से आगे निकाला जाए। इसी सिलसिले में हम लोग अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ताकि अपने बिजनेस में लगाएं और अपने बिजनेस को इम्प्रूव करें। इसी सिलसिले में हम लोग आज पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिपार्टमेंटेशन। अपने बिजनेस में अपने जो भी शॉप है, जो भी कुछ भी है, आप लोग छोटा सा बिजनेस है या बड़ा सा बिजनेस है, उसमें हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को कैसे बनाएं, कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट को बांटें, उसका एम क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। डिपार्टमेंटेशन क्या होता है भाई? तो अ डिपार्टमेंट इज अ वर्क ग्रुप कंबाइंड टूगेदर फॉर परफॉर्मिंग सर्टन फंक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। द प्रोसेस ऑफ डिविजन ऑफ द enterprises into different part is broadly called departmentation or departmentization and it is done for the purpose of administration. सिंपली इस बात को समझिए कि देश को छोटे छोटे राज्यों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि इतना बड़ा देश था, इस पर एक जगह से शासन कर पाना मुश्किल था, इसलिए इसको छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया ताकि वहाँ पे एक लोकल गवर्नमेंट भी चले और उसको और बांट के एक आपको ये भी बांट के ला दिया गया पंचायती राज भी बांट के ला दिया गया। पंचायती राज की व्यवस्था क्यों लाया गया? ताकि हम गांव तक लोग अपना प्रशासन को पहुंचा पाए। यही आपका डिपार्टमेंटेशन भी है कि आप छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए ताकि आपको ऊपर से आप शासन कर पाए, आप सब पे नजर रख पाए, सभी जगह वर्क ढंग से हो पाए। और इसी की कमी देखने को मिलती है सारे कंपनी में, जो भी छोटे छोटे बिजनेस है उसमें, क्योंकि वो डिपार्टमेंट नहीं बनाते हैं उसमें। ठीक है, तो यही है क्या एम है डिपार्टमेंट का, एक एक चीज़ को हम समझते हैं क्यों ये इम्पॉर्टेंट है और क्या इसका रोल हो सकता है, ये सारे चीज़ों को हम लोग आज समझते हैं। जैसे एम क्या होना चाहिए डिपार्टमेंटेशन का, डिपार्टमेंट यदि आपको बनाना है, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाना है अपने कंपनी में या अपने बिजनेस में या फिर आपको छोटा सा दुकान है उसमें भी अगर डिपार्टमेंट में बांटना चाहते हैं तो कैसे क्या कर सकते हैं आप, तो उसका एम होना चाहिए टू ग्रुप एक्टिविटीज एंड पर्सनल टू मेक मैनेजेबल यूनिट्स। ठीक है, हम क्या हमारा जो हमारे पास जितने भी टीम है, जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं, उसको हमको ग्रुपिंग करना है उसकी एक्टिविटीज़ को, क्योंकि ये सब काम आपका है। ठीक है, और ये सब लोग इस काम में लगे रहेंगे। ठीक है, ये है डिपार्टमेंटाइजेशन करने का तरीका। ठीक है, और क्यों करते हैं? ताकि हम सबको आराम से मैनेज कर सकें। देखो लोगों का दिक्कत है ना, जैसे कि घर में ही है, वो सारे सामान लोग इधर उधर जिधर तिधर रखे हुए रहते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ ढूंढना रहता है तो उसमें एक आध घंटा तो उसको ढूंढने में ही लगा देते हैं। ठीक है, एक भी छोटे से काम के लिए एक घंटा बर्बाद कर देते हैं। अब यही दिक्कत होता है आपके बिजनेस में। बिजनेस को मैनेज आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपने ढेर सारा फैला रखा है और आपने उसको मैनेजेबल थिंग्स में कन्वर्ट नहीं किया है। आपने डिपार्टमेंट ही बनाया है, डिपार्टमेंट बनाए, डिपार्टमेंट का हेड बनाइए, इसमें काम करने वाले वर्कर को कैटराइज करिए कि भैया ये काम आपका है, ये सब एक्टिविटी इस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा और ये सब काम आपको करना है। ठीक है, जैसे अगर एक स्कूलिंग की बात करें तो उसमें टीचिंग स्टाफ होते हैं, कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, दोनों को हम सेपरेट रखते हैं। ठीक, ताकि दोनों को मैनेज करने के लिए आसान हो। टीचिंग स्टाफ का हेड एक बनाते हैं जो प्रिंसिपल होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए भी एक मैनेजर को बनाते हैं जो उसको मैनेज करे, जबकि नॉन टीचिंग जो भी प्रोसेस वहाँ हो रहा है उस पर नज़र रख सकते हैं हम लोग। तो ये सब काम हम लोग करते हैं एक डिपार्टमेंटेशन बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्या एम हो सकता है डिपार्टमेंटेशन करने का, टू ब्रिंग स्पेशलाइजेशन इन द परफॉर्मेंस ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज। अगर आप सबको मिक्सअप कर दोगे तो आपके जो भी परफॉर्मेंस में कमी आएगी। ठीक है, क्योंकि एक ही आदमी कभी ये काम कर दे रहा है, जैसे टीचर से ही आप करा रहे हो, पढ़ाने वाला भी काम करा रहे हो और ढोवाने वाला भी काम करा रहे हो, बेंच भी साफ उसी से करा रहे हो, झाड़ू भी उसी से लगवा रहे हो, तो उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा, उसमें स्पेसिफिक चीज़ें क्वालिटी नहीं आएगी, इंप्रूवमेंट नहीं होगा, उसका ध्यान हर जगह बटेगा। ठीक है, तो हर किसी काम के लिए अलग अलग आप इंप्लॉय क्यों नहीं रखते? ठीक, टीचर कम कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई एक टीचर तुमने रखा, जैसे 10 टीचर रखा, 10 टीचर में तुम पढ़वा रहे हो 10 टीचर से और उसी से झाड़ू भी लगवा रहे हो स्कूल में। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 10 की जगह पे 8 ही टीचर रखिए, 8 डेडिकेटेड टीचर रखिए जो टीचिंग पर्पस के लिए हैं। ठीक है, और 2 आप नॉन टीचिंग स्टाफ को रख दीजिए। ठीक है, 10 ही लोग हैं, सैलरी भी आपको उसी अनुसार देना है, लेकिन आपने क्या कर लिया, आपने इसको बांट दिया। ठीक है, जो ये जो है वो टीचिंग पर्पस के लिए एकदम टीचिंग पे ही फोकस रहेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसमें के काम में परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकता है, टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल।
तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपने दो डिपार्टमेंट बनाया कि ये काम इधर होगा और ये काम इधर होगा, ठीक है। तो आप दोनों डिपार्टमेंट का एक हेड बना सकते हो, ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और आप मालिक बन के बैठ सकते हो, चुपचाप घर में बैठिए और खाइए बैठ के, ठीक है। आप तुरंत तुरंत इसको पकड़ो, अरे टीचिंग प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे का शिकायत आ रहा है पढ़ाई लिखाई में, तो आप इसको पकड़ोगे और कहोगे भाई सुधारिए, आप टीचर्स लाइए या जो करना है कीजिए, अच्छे से पढ़ाइए, नए टीचर्स का हायर कीजिए, फिर जो है उसको आप डांटिए डपटिए कि बढ़िया से काम करें, ठीक है। अगर देखा कि मैनेजमेंट काम में गड़बड़ हो रहा है, झाड़ू ढंग से नहीं है, सफाई का प्रॉब्लम आ रहा है या फिर पानी के पीने का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इसको पकड़िए कि अरे तुमको कहे तो नल लगवाने के लिए नहीं लगवाया, तुमको क्योंकि बल्ब अगर फ्यूज हो गया तो तुमने क्यों नहीं लगवाया, तो सारे चीज़ के लिए हम इसको पकड़ेंगे, इसको फंडिंग करेंगे, इसको पास पैसा जितना जाना है मैनेजमेंट के लिए उतना जाएगा, उसके अनुसार वो अपना काम करेगा, जितना बचाना वो बचाएगा, घपला करेगा पकड़ाएगा, भाई काम करना है आपको, वो रिजल्ट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो भैया हम उसको तुमको उठा के यहाँ से भगा देंगे, खींचते रहना पैसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, बैठे बैठे सब चीज़ों को देख सकते हैं, हमको हर डिपार्टमेंट घुस कर देखने की जरूरत नहीं है, उस डिपार्टमेंट हेड को ही पकड़ेंगे और सब कुछ बता देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंट को बांटने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे हम इस पर प्रोसेस करेंगे। तो मेथड को समझने पर के लिए हमने डिपार्टमेंटेशन को समझा, क्या है डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस विच इज यूज टू ग्रुप द एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज इनटू वेरियस डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हम डिपार्टमेंट क्यों बनाते हैं, ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो पाए। हम लोग ग्रुपिंग करके सामान को क्यों रखते हैं, जैसे आपके यहाँ ढेर सारा दवा का दुकान है तो आप ग्रुप में लगाते रखते हो ना कि फीवर वाला दवा यहाँ रख देते हैं, ये वाला दवा यहाँ रख देते हैं, ताकि ढूंढने में आसानी हो, आप सिर्फ ग्रुपिंग करके रखते हो। यही आपको बिजनेस में करना है, आपको ग्रुपिंग करना है एक्टिविटीज का, ये काम यहाँ होगा, इसका हेड ये होगा, इसको देखने वाला, इससे क्या होगा, इस भाई एक आदमी एक चीज़ को बढ़िया से मैनेज कर सकता है। भैया एक अगर नॉन टीचिंग स्टाफ को मैनेज करना है तो वो लोग क्या होते हैं कि अनपढ़ गवार होते हैं, ठीक है, साफ सफाई करने वाले हैं तो वो उस ढंग से समझेगा, ठीक है। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक आदमी रख दो ना, जो डांट डपट के समझा सके। अब टीचर्स हैं, रिस्पेक्टिव टीचर होते हैं, उसको अगर उसने पढ़ाया नहीं, उसको पढ़ाने का मन नहीं है और तुमने जाकर डांट दिया, तो वो आपका स्कूल ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको हैंडल करने के लिए अलग ढंग के लोग चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप अलग से मैनेजर रखोगे, ठीक है, जो उसको पढ़ा लिखा हो, जो उस चीज़ को समझाए, उसको मोटिवेट करे कि देखिए आप क्लास नहीं ले रहे, ठीक है आप बीमार हैं, लेकिन बच्चों का सिलेबस खराब हो रहा है, आपको बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा आप बीमार हैं तब भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए, छोटे बच्चे बीमार हैं अगर क्लास नहीं करेंगे तो आप लोग तो उनको कहते हो कि नहीं बीमार हो तब भी क्लास करो, ठीक है, क्योंकि आप इसको छोड़ नहीं सकते, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इस तरह से टीचर को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि भैया आप देश के भले के लिए काम कर रहे हैं, आप देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हो, आपको जी जान से काम करना चाहिए। सोचिए बच्चा अगर एक भी कुछ नहीं पढ़ा और कल आईएएस बन गया और इस चीज़ उसको नहीं आया, ठीक है, तो कल क्या होगा। तो आप इस प्रकार से उसे मोटिवेट कर सकते हैं। पर एक सफाई करने वाला कर्मचारी रख रखा है आपने, उसको इतना समझाओगे क्या, तुरंत कहोगे भागो यहाँ से, दूसरा हम रख लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैनेज करना होता है। तो डिपार्टमेंट को ढेर सारे डिपार्टमेंट में बनाना, आपके कंपनी में ढेर सारे डिपार्टमेंट को बनाना क्यों जरूरी है, ये आप समझ रहे होंगे, और कैसे बनाएंगे उसको विशेष गौर हमारा इस पर होना चाहिए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें जनरली पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग दो प्रकार से हम लोग देखेंगे, एक होता है हम डिपार्टमेंट बनाएंगे तो एक होगा फंक्शन के पर्पज़ से, ठीक है, दूसरा है प्रोडक्ट के पर्पज़ से। फंक्शन है मतलब एक फंक्शन को करने वाला लोग एक तरह से होना चाहिए, ठीक है, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए और दूसरा फंक्शन को करने वाले लोग दूसरे डिपार्टमेंट होना चाहिए। दूसरा है कि भैया हमारे यहाँ अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो एक प्रोडक्ट एक डिपार्टमेंट बने, दूसरा प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट बने। तो ये दो प्रकार से हम चीज़ों को देखेंगे। पहला है फंक्शन, बाई फंक्शन। बाई फंक्शन यदि हमको डिपार्टमेंट बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे ऊपर तो भैया कौन रहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे ऊपर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो जो कंपनी में जिनका पैसा लगा होता है। आपकी कंपनी अगर आपने बनाया है तो भैया उनका पर डायरेक्टर्स का ही हेड होगा, क्योंकि पैसा लगा हुआ वो कहेंगे जो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ठीक है। आप समझाइए उनको कि भैया ऐसे करेंगे तो प्रॉफिट हो सकता है, वो अलग बात है, कन्विंस कीजिए। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही आपकी कंपनी के मालिक होते हैं, जिनका पैसा लगा होता है। उनके नीचे होता है जनरल मैनेजर, मैनेजर मैनेज करता है, जनरल मैनेजर हर चीज़ का मैनेजर है, क्योंकि नाम ही है जनरल, ठीक है। तो जनरल मैनेजर उसके बाद होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे आता है मैनेजर्स, ठीक है। तो जनरल मैनेजर के नीचे ढेर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, यही पढ़ा लिखा मैनेजर है, ठीक है, जो MBA करके आएगा, IIM वगैरह से आएगा, या फिर कहीं से भी कोई भी MBA वगैरह करके आएगा, ये मैनेजर्स, इसको पूरा मैनेज करना इंसानों को आना चाहिए, ठीक है, ठीक। जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा हुआ हो सकता है वो क्रैश कोर्स करके आया हो, मेरा वीडियो देख के आया हो, तो वो भी मैनेज कर सकता है। देखना है आपको कि वो मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसको काम दे रहे तो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ये महत्वपूर्ण है। डिग्री महत्वपूर्ण नहीं होता है,
ठीक है। तो इसके नीचे ढेर सारे डिपार्टमेंट, जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम यहीं होगा। देखो फंक्शनल है तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा काम हमने हमारा जो एक अलग डिपार्टमेंट देखेगा, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हेड होगा, वो सब चीज़ों को देखेगा और सब किसके नीचे आएगा, जनरल मैनेजर के नीचे आएगा, ठीक है। हम बस मालिक हैं, हम बस जनरल मैनेजर को कहेंगे यार यहाँ दिक्कत हो रहा है, यहाँ देखो, जनरल मैनेजर मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर को बुलाएगा, ठीक है। जनरल मैनेजर और मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर के बीच के साथ हम लोग बैठ के उसको डिसाइड करेंगे कि भैया पैसा हमारे पास इतना है, इस प्रकार से काम करना है आपको, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाना है, सस्ता ही बनाना है, जो भी है, या अच्छा क्वालिटी रखना है, तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको देखेगा, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के भाई काम बन गया यहाँ पे प्रोडक्ट, तो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि उसको मार्केटिंग करना, बेचने का काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा कि कैसे हमारा मार्केटिंग होगा, कैसे हमारी कंपनी का इमेज बढ़िया बनेगा, कैसे प्रोडक्ट का लोगों को आदत बनेगा, ठीक है, लोग कैसे खरीदेंगे, कैसे उसको मोटिवेट किया जाए उसे खरीदने के लिए, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है आप एक ही में भी डाल सकते हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपका कोई इक्विपमेंट नहीं काम कर रहा है तो एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ता, वो वर्कर भी कर देता है, पर अगर कहीं पे काम नहीं होगा तो आप यहाँ से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियर को भेजोगे, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ों को देखिए, ठीक है। कोई मशीन काम नहीं कर रहा तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वहाँ पे जाके उसको ठीक करेगा, ठीक है। तो ठीक हो जब मशीन हो रहा है तो उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग का काम रुका हुआ है, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग दूसरे मशीन पे होगा, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, जब भी कोई इसको प्रॉब्लम होगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कहेगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उस पर वर्किंग करेगा, ठीक है। तब तक मैन्युफैक्चरिंग दूसरे जो उसका जो डिवाइस है, जो दूसरा मशीन है, उस पर काम होता रहेगा। नेक्स्ट है आपका R&D, R&D हर कंपनी में होना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पर अननेसेसरी पैसा आपका फूकता रहता है, लेकिन R&D ही आपको, अगर कुछ भी आपने R&D कर लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ भी ऐसा कर लिया कंपनी में, ठीक है, तो वो आपको भविष्य में काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि आपको ऐसा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, जैसे कि आप कुछ बना रहे हो, ठीक है, तो आपका R&D करेगा कि भैया ये प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं ये बिक तो रहा है, पर इसको हम और कैसा कलर से पेंट कर दें कि लड़कियों को भी पसंद आए, जैसे मैं इसको पिंक कलर से पेंट कर देता हूँ, देखता हूँ इसका क्या फीडबैक आता है। ये R&D देखेगी पूरा, R&D रिसर्च कर करके आपको नया रिसर्च आपको प्रोवाइड करेगी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिन्हें मैनुफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का अगर ये फाइनल R&D हो गया तो भैया आप तक जाएगा ये कि ऐसा चीज़ हम लोगों ने बना लिया है, इसको हम ट्रायल करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं डिमांड मार्केट में है कि नहीं। जैसे आप साबुन बना रहे हो बार बार, पर R&D ने कहा कि चलो हम इसमें क्या करते हैं ना, साबुन में कुछ और सुगंध डाल देते हैं ताकि और बिकेगा। R&D ने उसको रिसर्च किया कि वो सुगंध से कोई नुकसान वुकसान तो नहीं हो सकता, सब कुछ चेक कर लिया, सब उसने लैब वगैरह में टेस्टिंग वगैरह कर लिया, उसको दिया मैन्युफैक्चरिंग में, उसका टेस्टिंग कीजिए, ठीक है, टेस्टिंग पीरियड में जाएगा वो, बढ़िया रिजल्ट आया, देखा कि एकदम बहुत बढ़िया डिमांड आ रहा है, तो भैया आप उसको बनाइए। उसके बाद आपका एक और है एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट। देखो डिपार्टमेंट आप पे है, कितना भी बना सकते हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं बनाना है, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं बनाना है। तो आपका एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट, अगर आपके एम्प्लॉय हैं उसको कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे जाके वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऐसा ना हो कि भैया वो जाके यहाँ हड़ताल कर दें कि भैया हम नहीं काम करेंगे, हमको पैसा कम मिल रहा है, तो भैया उसके लिए क्या है, आप यहाँ जाइए, इस डिपार्टमेंट के पास जाइए, जो भी वर्कर है वो सारे के सारे इस डिपार्टमेंट में जाए, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयर रिलेशन डिपार्टमेंट बनना होगा जो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, वो आपके जनरल मैनेजर पर प्रॉब्लम को ले जाएगा और जनरल मैनेजर आपका प्रॉब्लम को डायरेक्टर तक ले जाएगा, अगर ले जाने की जरूरत है तो, नहीं तो आपका ये प्रॉब्लम यही सोल्व कर जाएगा। जैसे दो एम्प्लॉय के बीच झगड़ा हो गया, उसके लिए थोड़ा ना जनरल मैनेजर सोल्व करेगा उसको या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोल्व करेगा उसको, उसको आपको कहाँ पर जाएगा, जाना पड़ेगा एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट में, वो जाके आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगा। जैसे आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रहा है कि सर हमको छुट्टी चाहिए, ठीक है, घर जाना है हमको, तो वो सब थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपको छुट्टी दे देगा, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आपको छुट्टी नहीं दे सकता है, उसके अधीन नहीं है, ठीक है। अगर भाई आपको छुट्टी चाहिए तो भैया आपको सेंशन कौन करेगा, एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो पैसा से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा कि भैया पैसा, अगर मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट को भी पैसा चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग को भी कुछ पैसा घटा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा और सारा हिसाब किताब रखेगा वो, ठीक है, कि भैया हमने इसको इतना पैसा दिया है, उसने ये सब काम करने के लिए हमसे पैसा लिया है, हमारे पास ये बिल है, ये सब ऐसी चीज़ें मैनेजर जनरल मैनेजर के अंदर में आएगा, ठीक है। तो जो खर्चा, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कभी भी खर्चा मांगेगा तो जनरल मैनेजर खर्चा किससे मांगेगा, इस डिपार्टमेंट से खर्चा मांगेगा कि पूरा बिल बना के हमको दीजिए कि आपने कहाँ पे कितना कितना खर्चा किया है, ताकि सारा हम लोग पैसा इसका लगाया हुआ है ना, ये हिसाब मांगेगा, तो हिसाब मांगेगा तो ये हिसाब कौन देगा, ये इसको देगा जनरल मैनेजर को, और जनरल मैनेजर उस हिसाब को आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखेगा। जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जनरली सारी चीज़ें नहीं जाता है, सारी चीज़ मैनेजर ही मैनेज करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बस डिसीजन लेता है कि फाइनली हमको क्या करना है, किस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना है, किसको नहीं करना है, ये सब फिर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं, और वही इसको चुनते हैं जनरल मैनेजर को। जनरल मैनेजर अपने जितने भी मैनेजर्स हैं उसको हायर करता है, उसको रखता है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका डिपार्टमेंटेशन फंक्शन बाय फंक्शन इस प्रकार से काम करता है, फंक्शन के हिसाब से हमने डिपार्टमेंट को बांट दिया। तो ये डिपार्टमेंटेशन बाय फंक्शन। एक है बाय प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट को हम बाय प्रोडक्ट भी बांट सकते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं। उसमें आपको ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके नीचे होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर को आप लोगों ने आगे बांट दिया, जैसे आप मान लीजिए कि आप कंपनी जो आपका वो कार बना रही है, तो कार आपको दो प्रकार के बन रहा है, एक 800 सीसी का कार बन रहा है, एक 1000 सीसी का। सीसी होता है सेंटीमीटर क्यू होता है, जो उसका इंजन होता है उसका वॉल्यूम बताता है, स्वेप्ट वॉल्यूम को बताता है ये। तो एक 800 सीसी का है, एक 1000 सीसी का है। अब उससे मतलब नहीं है कि क्या होता है ये, हम बस कार बन रहा है जो इस प्रकार का एक कार बन रहा है कि इस प्रकार, दोनों को हमने अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा, देना ही पड़ेगा क्योंकि इसका सारा चीज़ अलग अलग से काम करेगा, ठीक है। क्योंकि इसको पूरा वो कार ही अलग है, ठीक है, पर दो हम लोग अलग अलग कार बनाना चाहते हैं जिसकी कैपेसिटी अलग अलग हो, तो पूरा चीज़ ही वाला उसका अलग बनेगा, ठीक है, सारा चीज़ें उसका अलग बनेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें कॉमन ही बने, बॉडी बॉडी हो सकता है एक जैसा दिखने में लगे, तो वो एक जगह भी बन सकता है, पर अधिकतर जो इक्विपमेंट है वो अलग अलग बनेगा, ताकि उसको भाई इंजन पावरफुल है तो उसको झेलने वाले चीज़ें भी तो पावरफुल होना चाहिए। तो हम लोग इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, इस डिपार्टमेंट को अलग कर दिया, ये कार यहाँ बनेगा, जैसे कि टाटा का है, टाटा का नमक थोड़ी ना एक ही कंपनी बनेगा, टाटा का नमक अलग बनेगा, TCS अलग कंपनी है, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस अलग कंपनी है, उसका कार अलग बनेगा, नमक अलग बनेगा, सब कुछ टाटा का अलग अलग जगह पर बनेगा ना। तो इसी प्रकार से आपने क्या कर दिया है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखा है अलग अलग कार के लिए, उसने तो अलग अलग कंपनी ही टाटा ने बना रखा है, पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट अपने कंपनी में बना सकते हो, क्योंकि सेम चीज़ें कार ही बना रहे हो तो अलग अलग डिपार्टमेंट बना सकते हो। जैसे कि इसमें हम कर सकते हैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना सकते हैं जो इसका प्रोडक्शन करेगा, उसके बाद सेल डिपार्टमेंट बना सकते हैं। देखो डिपार्टमेंट का मैंने ऐसे ही रफली नाम लिखा है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा, ठीक है। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट रख सकते हो, ठीक है, जो अकाउंटिंग वगैरह सब देखेगा। उसके बाद पर्सनल डिपार्टमेंट रख सकते हो, जो इंसानों से रिलेटेड जो भी चीज़ें हो उसको मैनेज करेगा। उसी प्रकार से इसमें भी सारे उसी प्रकार का डिपार्टमेंट रहेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहेगा, सेल डिपार्टमेंट रहेगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट रहेगा और पर्सनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बाय प्रोडक्ट भी डिपार्टमेंट को बना सकते हो और बाय फंक्शन भी डिपार्टमेंट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये है डिपार्टमेंट बाय प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग को देखना है मैचिंग पीपल टू जॉब, हम किस जॉब पे किस इंसान को रखें। और नेक्स्ट है हमारा कि भैया हमारे लिए कोई आदमी काम क्यों करेगा, क्योंकि कंपनी बनाने का मेन पर्पस होता है कि हमारे लिए कोई काम करे, वो काम करे और पैसा हम खाएं। तो सवाल है कि कोई आपके लिए काम क्यों करेगा, कोई अपना ही कंपनी क्यों नहीं बनाएगा, ठीक है। और यही सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है छोटे कंपनियों में कि आपको एम्प्लॉय नहीं मिलता, सबको आज लगता है कि हम अपना बिजनेस रखें, हम किसी के अंदर में काम ना करें। तो यही है कि आपके अंदर में लोग कैसे काम करेंगे, क्यों काम करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहाँ पे भी आप हैं फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर एजुकेशनल ग्रुप या फिर ऐसे भी हर जगह इसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि हर कोई इसको देखे समझे, हर किसी का नॉलेज बढ़े। ऐसे भी घर पे बैठा हुआ दुकान बंद करते हो तो कम से कम उस वक्त सीख ले, ताकि जब उसका दुकान खुले तो उसको आपको कैसे इंप्रूव करें। आप अपने पापा वगैरह को भेजिए जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अपने जो भी बड़ा भाई या जो भी बड़ी बहन जॉब कर रही है बिजनेस देख रही है, तो वो कैसे इस चीज़ का फ़ायदा उठाए उसके लिए आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच।